प्राइम एशिया टीवी दे प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू विच आप सब का स्वागत। मैं हाँ नवजीत। अज 23 मार्च शहीदी दहाड़ा मनाया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बॉर्डर उपर भी अज इन्हों सिजदा किया गया। इस तो अलावा होर भी बहुत सारिया खबर ने जिन्हों के उपर असी अज चर्चा करांगे। दिल्ली पार्लीमेंट विच एक होर बिल पास होया ते उहदे उपर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई है। प्रतिक्रिया तो बाद एक बाघा पुराणा विच महापंचायत भी हुई। महापंचायत तो बाद कुछ मुलाकात राजनीतिक आगुआ नाल होईयां। वो सारिया गल्लां अपने वाल ध्यान मंगदियां। इन्हां सारिया खबरों ते असी चर्चा करदे। मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी, सब तो पहला स्वागत। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। जी शुक्रिया। पन्नू साहब, अज 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सिजदा किया जा रहा है इन्हों बार्डर के उपर भी, किवें देखते हो सब? नवजीत जी, शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु जी, सुखदेव, ये तन सारे तिने जने जिहड़े ने ये साडे भारत के आजादी संग्राम के बहुत माण मत्ते शहीद ने, जिन्हां दा नां सुन के अज दी तरीक विच वी कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सारे देश दे विच नौजवानों के डोले फरकन लग पैंदे आ। उन्हां दे डोले फरकन दा कारण यह है कि ये इहो जे तिने योधे सन जिन्हां ने वो लड़ाई भी लड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़ी, ते जिहड़ा उर्दू दा शेर है, जिस तज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस तरह अणख नाल इन्हां ने शहीदी प्राप्त की, वो सारा कुछ दसदा है कि इन्हां तिन्हां दा एक खास रोल सी, खास थां सी। बदकिस्मती यह है कि देश आजाद होने तो बाद जो माण सत्कार इन्हां नूं मिलना चाहिए सी उस हद तक नहीं मिल सकिया। लोगों ने मना विच माण है, सत्कार है। मैं इत्थे भी वेख्या, मैं जदों पुणे गया तो राजगुरु होरां दे परिवार कोल गया, उन्होंने पहली मंजिल ते एक कमरा राजगुरु जी दी याद विच बनाया होया जिथे हर वक्त ज्योति जगदी रहिंदी है। मैं उत्थे भी नमस्कार करके आया सा, परिवार नाल बैठ के आया सी। मैं सुखदेव के परिवार को भी मिलया होया, भगत सिंह होरां दे भतीजे ते होर परिवारक जीआं नूं भी मिलया होया। जिहड़ा सत्कार लोग दिंदे आ उह सरकारां ने बिल्कुल नहीं दिता जिन्ना देना चाहीदा सी। बल्कि यह है कि जिहड़ा सुपना उन्हां ने लिया सी, उन्हां दा सुपना सिर्फ ये नहीं सी कि इत्थों अंग्रेज कढ देना। अगली गल ये सी कि उह उन्हां दे मन विच इक समाजवादी सोच सी। वो चाहते सन यहोजा देश हो जिथे आजादी तो बाद एक बंदे दे मोढ़िया ते दूसरे बंदे दा जूड़ा ना हो, बंदा बंदे दी लुट ना करे। वो लोग अज दी तरीक विच भी साडे लोग उस तरह लुट्टे पुट्टे जा रहे ने, और लुट्टन वालियां ताकतां दा बोलबाला होण करके दिल्ली दे राजधानी दे बार्डरां दे उत्ते किसान बैठे ने, पिंडां तो लैके शहरां तक नौजवान रुजगार लई मजारे करदे पए ने, टेंकियां ते चढ़ जांदे ने, जहर खा के मरदे ने। फिर भगत सिंह दा सुपना कित्थे गया? मैं 1978 च बठिंडे दे विच एक कलाकार तो एक गीत सुनिया सी, हाल डिठा भगत सिंह सरदार तेरे पिंड दा, लोहा कुट्टी जा रहा लोहार तेरे पिंड दा। उन्हें सारी कविता जाके इत्थे मुकाई सी, कख भी नहीं बदलिया सरदार तेरे पिंड दा। जे भगत सिंह दी कुरबानी तो बाद उहदे पिंड दा मतलब ये नहीं कि खटखट कलां दा, उहदा वड्डा पिंड समुचा हिंदुस्तान आ सारा पंजाब उहदे विच है। जे इत्थों दे लोकां दी जिंदगी नहीं बदली, भगत सिंह दे असली पिंड हिंदुस्तान दा हाल नहीं बदलिया, अज भी उत्थे दा उत्थे खड़ा, लोकी उसे तरह ही अपने हक्कां वास्ते कुट खा रहे ने। ते फिर इह सोचना पएगा कि भगत सिंह दे सुपने दा की होया, कि असी उहदियां फोटो जिहड़ियां ने उह अपने कोल लाउण वास्ते हैं, कि असी इत्थों तक हैं कि 23 मार्च नूं जाके हुसैनी वाला ते खटखट कलां च नमस्कार कर आईए, ते मुड़ के सारा साल उहदा नाम ही भुला दईए, उहदे आशे उहदे निशाने भी भुला दईए। ये नहीं गल होनी चाहीदी। होना यह चाहीदा कि सच्चे दिलों श्रद्धांजलि भेंट की जाए, तो उहदे राह दे उत्ते चलण दा यतन किया जाए। बिल्कुल। पन्नू साहब, पार्लीमेंट विच NCT बिल एक पेश किया गया, उन्हें हुण पास भी कर दिता गया, इहदा दिल्ली सरकार दे उपर की प्रभाव पै सकता? वैसे जेकर राजनीतिक एंगल तो आप गल करिए लगता है कि उपराज्यपाल दे कोल बहुत सारिया ताकत चलिया जाणगियां, जिस तरह अरविंद केजरीवाल होना ने भी यही गल कही है। ये गल बिल्कुल ठीक है। जिहड़ा नैशनल कैपिटल टैरिटरी गवर्नेंस बिल इन्होंने हुण पास किया जी, अजे वो एक थां तो पास होया लोक सभा चों, उहदे बाद राज सभा च भी जाणा अड़के अजे हैगे ने। राज सभा दे विच जे सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जावे ते रोकण तक भी जा सकदी है, जिहड़ियां भाईवाल पार्टियां वह भी रोकण तक जा सकदियां ने। कल पार्लीमेंट दे विच जिहड़ी गृह राज मंत्री मिस्टर किशन रेड्डी ने तकरीर की है,
वो तकरीर दसदी है कि उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ दिल्ली में चलती एक विरोधी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल वाली वो संघों नहीं लंघती पई, उन्होंने परवाह नहीं कि उत्थे कोई किसी होर दा सिक्का चले। उन्हें कल पार्लीमेंट च आख्या कि 2014 तक सब कुछ ठीक सी, 2015 च हालात इस तरह बन गए कि केंद्र सरकार ते राज सरकार आमो सामने सुप्रीम कोर्ट तक जाने लग पीआं। 2015 च हालात किहड़े बन गए सी जिहड़े उन्हें जिक्र किया ना, भावें नहीं लिया इहो ही सी कि 2015 चढ़दे सार दिल्ली के लोगों ने 17 चो 67 सीटा दे के अरविंद केजरीवाल नूं चुन लिया सी। इस गल दा करके वो हुण दूसरे पासे खलोंदे पए ने। उन्होंने 2015 दीआं चोणां दे विच नवे नवे बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली च आख्या सी असीं अगे तां हिंदुस्तान नूं खतरा AK-47 तो समझदे हुंदे सां, हुण एक AK-47 राइफल नहीं AK-47 AK-49 लीडर है। AK-49 का मतलब ए फॉर अरविंद, के फॉर केजरीवाल, ते 49 दिनों की सरकार चली सी। कहिंदे हुण अजकल AK-49 इत्थे चलदा पिया उहदे तो खतरा है। जिहड़े प्रधानमंत्री ने इदां दे छोटे पद्धर दे लफ्ज़ वरते होण ये आख्या होवे कि जिहड़े बंदिआं नूं छत्तीसगढ़ के जंगलां विच होना चाहिए वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वास्ते लड़दा पिया, ये आख्या होवे कि ये तो अरबन नक्सल है, ये भी प्रधानमंत्री ने उदों आख्या सी कि दिल्ली के लोगों तुहानूं बदकिस्मत बंदा चाहिए कि किस्मत वाला। मैं वेखो पहले इन्ने साल मुख्यमंत्री रहा फिर मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं किस्मत वाला। जिहड़ा अरविंद केजरीवाल इहदी सरकार 49 दिन नहीं चल सकी है बदकिस्मत है, इस करके इहनूं वोटां ना पाओ। इहदे बावजूद दिल्ली के लोगों ने मोदी दीआं गल्लां नहीं सी सुणियां ते केजरीवाल नूं जिताता सी। बस वो 2015 का जिक्र पार्लीमेंट च करके मिस्टर जी किशन रेड्डी ने यह गल दस दिती है कि भाजपा लीडरशिप ते केंद्र दी नरेंद्र मोदी सरकार नूं होर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इत्थे अरविंद केजरीवाल के नाँ ते विरोधी पार्टियां चों किसी एक पार्टी की सरकार क्यों चलती पई है। ये सरकार जो चलनी शुरू हुई उहदे तों पहला 2015 दीआं चोणां च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या सी जे दिल्ली के लोगों तुसीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली च बना दिओ ते असीं दिल्ली नूं पूरे राज दा दर्जा दे देंगे, इहदा मतलब सी जे ना बनाओ तो फिर नहीं देंगे। उही गल कीती क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इन्हां नूं वोटां नहीं पाईआं ते इन्हां ने दिल्ली नूं राज दा दर्जा नहीं दिता, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दीआं ताकतां इन्नियां वधा दित्तियां कि मुख्यमंत्री अपने दफ्तर दे विच्चों स्टैनो जां अपना गनमैन जां अपना सेवादार भी बदलना चाहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो परमिशन लैनी पैंदी है, उन्हूं कोई कम नहीं करन दिता जा रहा। जिहड़ा नवां बिल पास किया जदों ये लागू होगा तो ये नाल उहदे पैरां नूं होर संगल पा देने आ। इन्हां ने हालात इस तरह के बनाउणे आ कि दिल्ली की सरकार कम ना कर सके ते अगली वारी लोकां कोल जावे ते लोकी उहनूं किते वो बतेरा आखे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कर नहीं दिंदा, पर ये दिल्ली केंद्र सरकार जिहड़ी आ असल विच उहनूं कम कर नहीं देना चाहुंदी। साहब एक गल होर समझायो, लोकसभा विच तां पास हो गया यह बिल, हुण जेकर राज्यसभा दे विच पहलां वी असीं बहुत सारे अजिहे बिल देखे आ जो मूंह जवानी भी पास होया, कितें उस तरह के हालात नहीं बना दिते जाणगे? बंदिआं तों इहो जिहा रौला पा दिओ, अगे पिछली वारी आ जदों किसानी वाले बिल है लोकसभा च उत्थे इहनां ने पास करवा लए सन, राज्यसभा च इहनां नूं पता सड़िका पै बिल्कुल पास हो गए जी, पास हो गए आवाज दी वोट नाल पास हो गए, पास बिल्कुल नहीं सन हुंदे बणदे। जिस तरह इन्होंने उस वक्त प्रभाव दिता सी वो प्रभाव इस वारी इस बिल ते भी बनाया जा सकदा। आखिरकार सरकार ते उदों वाली है जिन्हें खेती बिल इस तरह पास किए सी। बिल्कुल, लक्ष्मीकांता चावला ते अरविंद केजरीवाल की पन्नू साहब मुलाकात हुई है बाघा पुराना रैली तो, हो सकता है बाद च हुई होवे, किवें देखते हो इस मुलाकात नूं? आने वाले दिनों के दौरान हुण जैसे चोण मुहिम तो शुरू कर ही दी गई है आम आदमी पार्टी वालों, फिर किवें जोड़ के देखा जा सकता है सब? देखो लक्ष्मीकांता चावला नूं मैं 1978 तो जानता जो अमृतसर शहर का 400 साल दिवस मनाया गया सी। जी उदों पहली बार असीं मिले सां, इह उदों ला दी स्टूडेंट सी, उदों तो लैके मैं देखिया कि जोशीली बुलारा भी है, बहुत वड्डी स्पीकर है, लोगों विच इहदा मास प्रभाव भी हैगा बहुत वड्डा। बड़ा चिर तक असे साडे कोल प्रभाव रहा कि यह इमानदार लीडर है, हुण मैं बहुता इहदे बारे अजकल नेड़े नहीं जाणदा। ये पंजाब उत्थों 3 वार MLA भी रही, 2 वारी यह मंत्री भी बनी, इन्हें अपना एक वखरा अक्स बना के रखिया सी। फिर होया ये कि बादल सरकार विच मंत्री हुंदी सी ते जदों इहदे कम ना होए मंत्री हुंदिया भी तो एक बारी बादल साहब ने संगत दर्शन अमृतसर जाके किया सी ते संगतां च लाइन च खलोगी जाके जो पता लगा मंत्री लाइन च खलोती है तो उन्होंने आप आके आख्या बीबा साढ़े कोल आ अंदर आके दसो गल की है, इन्हें जाके गल दसी क्या मसले हल नहीं होंदे। उस सरकार दे विच भी ये लड़ती रही सी, मुड़के दा महकमा बदल दिता गया सी ते अगली बारी अकाली दल का दबदबा इन्ना सी उदों
कि उन्होंने भाजपा को आख्या कि इन्हों टिकट ना दो। लक्ष्मी कांता चावला टिकट नहीं सी दिती तो टिकट खो के जिहड़े बंदे नूं दिती गई वो अज भावें नैशनल लीडर बनिया फिरे उतों जित नहीं सी सकिया, वो जेतू सीट भी हरा के आ गया सी। उस बीबी नूं बड़े चिर दा भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किया, कोई गल नहीं सी सुनी जा रही, वो सिर्फ सैमीनारां च बोलती सी, अखबारां च लिखती सी, और लिखण दा स्टाइल अजकल उहदा इस तरह का जिवें कोई बजुर्ग सारे पिंड नूं मतां दिंदा हुंदा, उहदा अज दी तरीक विच वी लोकां च इक वक्खरा प्रभाव है। वाघे प्राणी की रैली तो बाद एकदम केजरीवाल का उस बीबी नूं मिलना, उहदे तों बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रभाव है कि बीबी शायद भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा लीडरशिप तो थोड़ा जिहा नाराज़ भी है, निराश भी है, इस करके वह भी कोई ना कोई इस तरह का नवा राह भरती हो सकती है कि मैं जिदे विच जाके समाज की सेवा भी अपनी करती रह सकां, तो यह भी हो कि मैं उस थां ते चली गई जिथे समाज सेवा करने वाले ने। इदां दे लोग इकली नहीं गई, तुहाडी जानकारी लई दस दिया कि जदों 2014 दीआं चोणां होणियां ते नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन लगे सी, इन्हां ने उत्थे कहता सी कि मैं गया तो मेरी थां ते गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनाई जाऊगी, क्योंकि मंत्रियों जो सब तो सीनियर सी, ते आनंदीबेन पटेल का पति उन्हें ऐलान कर दिता सी कि मैं आम आदमी पार्टी शामिल हो रहा क्योंकि पार्टी इहो कम दी है। वह मुड़ के एक महीना उहदे नाल तुरिया फिरदा रहा, फिर परिवार में बैठ के उन्हें मनाया गया कि तू उधर ना जा, तो उन्हें प्रैस कॉन्फ्रेंस में आख्या सी मेरे हिसाब नाल भाजपा नालों वधिया पार्टी आम आदमी पार्टी है, पर क्योंकि मेरे बच्चे कहिंदे आ साडे परिवार का फ्यूचर खराब हो जूगा, इस करके मैं वापस फिर भाजपा च जा रहा। जे ये गल उदों जदों ये गल हुई सी आनंदीबेन पटेल के पति बारे, असी दूरदर्शन के एक प्रोग्राम के लक्ष्मी कांता चावला मैं ते दो जने होर इकट्ठे सां, ते मैं उदों भी आख्या सी, मैं कहा बीबी किसी दिन यह ना हो कि तुहाडे वास्ते भी यह सवाल आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी कि आम आदमी पार्टी, पर उदों 2014 च उन्होंने हस के टालता सी, हुण मेरी गल नहीं हुई, पर हुण नूं यह हो सकदा कि यह बीबी जिहड़ी है इस वेले भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तो बहुत नाराज़ भी है, निराश भी है, केजरीवाल के जाण का कुछ असर भी पै सकदा। पर सर मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला है, वैसे तो मामला है पुराना है, तिरंगे झंडे के रंगा वाला केक कट्टिया जा सकता है, ये देश भगति को कोई भी नुकसान नहीं होंदा, ये गल कही गई है, हुण ये किवें देखते हो इस नूं? देखो ये कई बार मुद्दा उठा, कोई पार्लीमेंट वर्गा केक बना लिंदा जी, उहदे खिलाफ केस दर्ज हो जांदा कि इन्हां तां जी पार्लीमेंट की माणा नहीं की है, सारे पार्लीमेंट मैंबर की माणा नहीं की है, कोई उठता तिरंगे झंडे वर्गा केक बना लिंदा, वो तीन रंगा दे केक नूं वेख के ही उहदे उत्ते केस दर्ज हो जांदा जी, देश दे कौमी झंडे की नैशनल फ्लैग की बेइज्जती की गई है। आ जिहड़ा हुण वाला केस आ इहदे विच तां पूरे का पूरा ही जिहड़ा वो कौमी झंडा बनाता गया केक का, क्रिसमस के मौके केक कटिया सी जिहदे विच बहुत वड्डियां वड्डियां हस्तियां शामिल सन, ते केक दे उत्ते कौमी झंडे वाले तीन रंग भी सन, ते विचकारले चिट्टे रंग दे उत्ते 24 तारां वाला उसे तरह का चक्कर अशोक चक्कर भी बनाया गया सी। इहनूं लै के एक बंदे ने केस करता कि देश दे मानहानी होई आ, इह राष्ट्र भगति का देश भगति का नुकसान किया गया, वो कई सालों का केस चलता सी। हुण मद्रास हाई कोर्ट जिहड़ी आ उहने उत्ते फैसला दिता कि इन्नियां निक्कियां गल्लां दे नाल कौमी झंडे का कोई अपमान नहीं हुंदा, इहदे नाल देश की राष्ट्र भगति का कोई नुकसान नहीं हुंदा, इस करके इहो जिहा केस जिहड़ा नहीं किया जाना चाहिए। बाहरले देशां देशों बारे जानदा उत्थे लोकी उसे देश के नैशनल फ्लैग उतों के झंडे वर्गे कपड़े जिहड़े ने इत्थों तक कि वह उपरले कपड़े ही नहीं, वो जे समुद्र च नहाउंदे होण ते अंडर गारमेंट्स भी उन्होंने उस रंग वाले बनाए होंदे आ, ते कोई उत्थे ये नहीं कहिंदा कि झंडे की बेइज्जती की गई है। साडे कुछ लोग है जिहड़े निक्कियां निक्कियां गल्लां दे उत्ते झंडे की बेइज्जती का मुद्दा खड़ा करते हैं। जदों अन्ना हजारे की मूवमेंट चलती सी, एक कार्टूनिस्ट ने शायद उहदा नाम असीम त्रिवेदी सी, मैं जे भुलदा नहीं, उन्हें मुंबई के एक स्कैच बनाया सी कि टायलेट सीट बनाई, तो वह बनाई बिल्कुल हिंदुस्तान के पार्लीमेंट भवन वर्गी, बड़ा रौला पै गया था जी पार्लीमेंट की बेइज्जती की गई है, और उहदे खिलाफ केस दर्ज हो गया, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अदालत ने भी ते प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आख्या सी इहदे विच कोई पार्लीमेंट की बेइज्जती नहीं हुई, इस कोई देश की बेइज्जती नहीं हुई, उन्हें अपने विचारों का प्रगटावा किया, तुसीं इन्ना हक भी नहीं किसी को देना चाहते, ये गलत है, तुसीं इहनूं हक दिओ दा उन्हें इस तरह के विचार प्रगट करन दा हक होना चाहिए, फिर उन्हें छड्डिया गया सी। हुण इस मामले दे विच भी जिहड़ा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला ये एक किस्म का इहो जिहे कई मामलों के उत्ते लागू होगा जिथे निक्की निक्की गल ते लोकां नूं देश भगती दे नां ते कटहरे च खड़ा किया जा रहा, ये शुक्र है
कि उन्हें जज साहबान ने बहुत सोच विचार और दुनिया के जिहड़े वख-वख देशों के रवाज ने लोगों का विहार आ उन्हें स्टडी करने तो बाद फैसला दिता और यह फैसला बहुत सोहना जी। पवन साहब, पछमी बंगाल की गल करते हैं, चोण प्रचार सिखरां ते है, इन्हां चोणां दे दौरान ही जिहड़ा प्रचार हो रहा, इस दौरान एक इश्तिहार अखबार में आउंदा है PM आवास योजना का, एक पासे एक महिला की तस्वीर है तो दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पता लगे बाद विच कि वो महिला कहती है कि मैनू अजे तक मकान ही नहीं मिलिया, ये की कहानी है जी पूरी? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तो उन्होंने टीम यहोजे कई काम करती है। ठीक, 5 साल पहले मोदी साहब एक बार उत्तर प्रदेश गए तो जाके उतो आख्या मैं इस पिंड इस करके आया कि मैनू पता लगा अज तक इस पिंड 70 साल हो गए देश की आजादी नूं ते इस पिंड अजे तक बिजली नहीं आई। उहदे तो बाद उन्हें आख्या हुण आवेगी, फिर पार्लीमेंट च आख्या गया कि 3 दिनों के अंदर अंदर बिजली लग गई है। अच्छा, उतो बाद जो पत्रकार उत्थे गए, मीडिया वाले गए तो लोगों ने आख्या हाँ जी खंभे लग गए, तारा भी पै गई, पर इन्हां च उहदे तो साल प्रेस कॉन्फ्रेंस आख्या कि उज्ज्वला योजना दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर एक घर विच गैस दे सिलेंडर पहुंचा दिते ने ते औरतां नूं धुएं दे विच चुल्हे च फूका मारन तों बचाता। नाल ही उन्हें आख्या अज मैं एक गरीब परिवार के जाके रोटी खाऊंगा, इस करके खाऊंगा ताकि मैं दसा कि साड़ी भारतीय जनता पार्टी जी गरीबों बहुत प्यार करती है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें आख्या कि हर एक घर में गैस के सिलेंडर पहुँचा दिते ने ते जो 3 घंटे बाद गरीब की झुग्गी जो खाना खाण पहुंचा तो वह लागे बैठा से चौकी के उत्ते खाना खाँदा तो एक चुल्हा बना के तो गोहे दी पाथियां विच सुट के तो लकड़ियां सुट के तो बीबी नाले फूका मार के अग बालदी सी ते नाले उत्थे मीडिया वाले नूं पुछदे जी तुसीं ते 3 घंटे पहलां कह के आए हो हर एक घर च सिलेंडर आ गया, जिथे तुहां रोटी खानी सी इत्थे आया ही नहीं। उसे तरह की कहानी हुण वापरी है। पछमी बंगाल दीआं चोणां है, इन्हां चोणां दा ऐलान होण तों पहलां 25 फरवरी नूं पछमी बंगाल दे अखबारां च एक इश्तिहार छपिया प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PM रेजीडेंस योजना जिहनूं असीं कह सकदे हां। उहदे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है ते एक औरत की फोटो जिहदा नाम लक्ष्मी देवी है। यह लिखा गया कि इस लक्ष्मी देवी बेचारी कोल घर है नहीं सी, प्रधानमंत्री आवास योजना दे विच सारे गरीबां नूं घर दिते गए ते इन्हूं भी दिता गया और यह औरत वो PM आवास योजना का घर लैके बड़ी खुश है। उस औरत कोल लोकी गए तेरी फोटो छपी है, वह घबरा गई कि मेरी फोटो हाए पता नहीं कोई पाप हो गया, कोई गुनाह हो गया, कोई जुर्म हो गया, हुण डरदी किसी नाल गल भी ना करनी होगी, फोटो वेखी जाए मुड़ मुड़ के। फिर मीडिया वाले ने जाके पुछया कि बीबी तेनों कोई घर मिले, कहती किहड़ा घर मिले, तो किराए के घर च रहनी है, 500 रुपया महीने का किराया दें, तो परिवार के 6 जी हैं, इको कमरा वो 500 रुपया दे के जिथे अस रहने 6 मंजे नहीं डट सकते। उन्होंने फोटो मैं वेखी उस घर की, जिदा अपने घर प्रशतियां होंगे सी, उपरों छत नाल रस्से बन के एक पासे एक मंजा लटकाया तो वो थले एक मंजा, दूजे पासे एक मंजा लटकाया तो वो थले मंजा, इहदा मतलब कि अद्धे जी हेठले मंजिआं ते सौंदे, अद्धे उपरलिआं ते सौंदे आ, ते उहदे कोल अपना घर ही है नहीं, 500 रुपये महीने के घर ते किराए के घर च रहिंदी है, ते फोटो लग गई है कि PM आवास योजना च उहनूं घर मिलिआ। उह लक्ष्मी देवी बेचारी दे कोल तां लक्ष्मी आई नहीं, पर उहदा नाम वरत के पछमी बंगाल दे विच चोणां लड़न दा जिहड़ा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने वरत्या उह इहनां दी बदनामी दा कारण बन गया जी। बिल्कुल, एक मुंबई वाले पासे काफ़ी चर्चा में खबर है पन्नू साहब, वैसे तो उत्थे राजनीति भी पूरी गरमाई हुई है, मुंबई पुलिस के साबका कमिश्नर ने उन्होंने दोष लगाए कि गृह मंत्री उपर भी कुछ लैन देन के दोष लगे ने, किवें देखते हो सब नूं? इहदे च दोष लाने वाला भी उदां दा ते दोष लवाने वाले भी उदां दे, मैं उन्हां चों किसे नूं निंदण सलाउण वाला नहीं समझदा जी। पुलिस कमिश्नर ने जदों उहदे तों अहुदा खोया कि उहदी ट्रांसफर कीती गई उदों इह दोष लाए आ, हुण तक उसे सरकार नाल मिल के क्यों चलदा रहा, उदों यह दोष क्यों नहीं लाए? हुण जदों उन्हें दोष लाए आ ते जिहड़े गृह मंत्री ते लाए, उह गृह मंत्री कोई दुध धोता नहीं, मुंबई देश की फाइनैशियल कैपिटल गिनी जाती जिथे पैसा ही पैसा, बेबहा पैसा, उत्थे जिहड़ा एक बारी गृह मंत्री जां खजाना मंत्री लग जांदा उह अगलियां 7 पीढ़ियां जोगे पैसे इकट्ठे कर सकदा। उहने किते गृह मंत्री ने कुछ पुलिस अफसरां नूं जरूर किहा होवेगा कि तुसीं पैसे इकट्ठे करो, पर सवाल यह है कि जिहड़ा पुलिस कमिश्नर है
हुण तक चुप क्यों किया रहा तो उदों ही क्यों बोलिया जदों की ट्रांसफर हो गई है। इहदा मतलब यह है कि जो सरकार इहदी ट्रांसफर ना कीती करदी तो फिर ये रल के उहनां दे नाल टीम दे जिद्दां चलदा सी उद्दां चली जांदा। गल तां मुकेश अंबानी दे घर लागे मिली एक गड्डी तों आ, गड्डी दा मालक जिहड़ा उहदी बाद च मौत हो गई, परिवार वाले कहिंदे उहनूं कुट कुट के मारता, कुटिया उहनूं इंस्पैक्टर वाजे ने दसदे आ, इंस्पैक्टर कि देश की कौमी एन आई ए बजाउंदी पई आ। उसे चक्कर दे विच इह पुलिस कमिश्नर कहिंदा जी उहदे मामले च उहनूं हुण वेखो सस्पेंड करता, सरकार ने पल्ला धोता। सरकार कहिंदी आ कि सस्पेंड करन दे आर्डर असीं नहीं कीते, उह आर्डर परमवीर सिंह ने पुलिस कमिश्नर ने कीते आ उहदा छड्डन तों पहलां। इह सारा मामला इन्ना उलझिआ कि इहदे विच पता नहीं सच्चा कौण झूठा कौण आ। मैं फिर आखां कि पुलिस कमिश्नर दीआं कमियां कमजोरियां हो सकदियां, पर जिहड़ा गृह मंत्री आ उह बिल्कुल दुद्ध धोता नहीं हो सकदा। उहनूं हुण तक अस्तीफा दे देना चाहीदा सी, जां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नूं उत्तों अस्तीफा लै लेना चाहीदा सी, नहीं लिया। तो हुण जदों इह केस सुप्रीम कोर्ट विच चला गया, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर ने आप जाके सुप्रीम कोर्ट च अर्जी देती है। कल नूं सुप्रीम कोर्ट झटका देवे कि तुसीं अपने गृह मंत्री नूं कहो उद्धा छड्डे, उहदे तों पहलां पहलां उद्धव ठाकरे दी सरकार नूं चाहीदा कि बेड़ी दा पत्थर चुक के बाहर पटड़ी दे उत्ते रख देवे, नहीं तो बाकी बेड़ी नूं लै डुब्बेगा, उहनूं पासे कर देना चाहीदा। पर परमवीर सिंह दा जिहड़ा केस है उह वी इकदम छड्डण वाला नहीं, उहदे बारे वी लोकां नूं विचार करनी चाहीदी है कि पुलिस अफसर बहुता करके पार्टी ए बी सी डी कोई होवे, जिन्ना चिर तक ये सत्ताधारी पार्टी के नाल रहिंदे आ उन्ना चिर मूँह बिल्कुल नहीं खोलते। जदों माड़ा मोटा विगाड़ पैदा संबंधा, जदों कि झटका दिता जाता, जदों इन्हां चों किसी की ट्रांसफर होंदी आ उदों इन्हां दे अंदर की इमानदारी जाग पैंदी है। उन्ना चिर तक इमानदारी जागती नहीं, जिहड़ी इमानदारी मौसमी बटेरिया वांगू मौका वेख के जागती है वह लोगों वास्ते दुखदाई है। ये सारा केस जिहड़ा हुण सुप्रीम कोर्ट चला गया, विचार उत्थे होवेगी। जी बिल्कुल, देखते हैं हुण अगे सुप्रीम कोर्ट की फैसला लैंदी है। पन साहब तुसीं खबरां ते विस्तार नाल जानकारी दित्ती, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। सो अज दे इस प्रोग्राम विच बस इन्ना ही, हुण मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत, देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।